For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम एक बार फिर हाजिर हूँ बिग बॉस के नए रिव्यू के साथ। आज हम रिव्यू में बात करेंगे सबसे बड़े मुद्दे पे जो घर में अभी उठ रहा है। जी हाँ, वो मुद्दा घर में और बाहर दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा फूल पकड़ रहा है। वो बात है कि क्या घर में अच्छाई ज्यादा देखी जा रही है या चीज बुराई, क्योंकि अभी तक जो भी हमें बीते एपिसोड में देखने को मिला उसमें यही दो सवाल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा किस तरह से जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको उतना प्रेम घर के अंदर नहीं मिल रहा है, जो ज्यादा बुराई कर रहे हैं वो दूसरों से घर वालों से बहुत ज्यादा हारी पा रहे हैं और वहाँ बड़े आराम से रहते हुए हमें देखने को भी मिल रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं सारे मुद्दे पर बात करते हैं अपने इस रिव्यू में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम दिन की, तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वहाँ पे सलमान खान आते हैं और कंटेस्टेंट से बात करते हुए नजर आते हैं कि आप लोग सुबह उठते वक्त घर में डांस करते हुए नहीं दिखते, जिसके कारण वो जितने भी और दर्शक थे उनको डांस करवा के दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको इसी तरह से सुबह डांस करना चाहिए क्योंकि यही दर्शकों को सबसे ज्यादा घर में सुबह सुबह पसंद आता है। तो इसके बाद वो घर वाले इन चीजों को मानते हैं और वो वादा करते हैं कि अब वो आने वाले एपिसोडों में डांस करके जरूर दिखाएंगे। इसके बाद जब घर में टास्क आता है तो सलमान खान यहाँ पे टास्क लेके आते हैं चुगलखोरी वाला, और हमें यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरह से यहाँ एक एक जने को वो बात बताते हैं और उनको अंदाजा लगाना होता है कि ये बात किस घर वाले ने कही है, उसके मुंह पे उनको स्प्रे मारनी होती है। यहाँ एक चीज जो देखने को मिली वो थी कि किस तरह से घर की जो दोनों बहुएं हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं वो है रश्मि और देवोलीना, किस तरह से अपनी बातों से मुकर जाती है, ये हमें आज देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से ये दोनों को पता था कि जो जो बातें इन लोगों ने बोली हैं और उसके बाद भी इन लोगों ने जिस तरह से शरीफ चेहरे बना के वहाँ बैठी रही, उससे एक चीज तो समझ में आता है कि इनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा आगे की है। क्योंकि जिस तरह हमें देखने को मिला जब अब्बू जी ने रश्मि का जो आरोप था वो उनको बताने जा रहे थे कि रश्मि ने मेरे को बोला है, लेकिन वहाँ रश्मि एक सीधे मुंह करके ये बोलती दिखती है हमको कि अगर आपको लगता है मैंने ऐसा बोला है तो आप मेरे मुंह पे मार दीजिए, अदरवाइज मैंने तो ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। जिसके बाद हमें बैक फुटेज जो दिखाई गई उसमें ये साफ था कि किस तरह से वो अब्बू जी के लिए बात वहाँ पे रश्मि ने कही थी। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं देवोलीना की, तो देवोलीना ने तो एक ही सलमान खान ने भी साफ कर दी कि घर में जितनी भी चुगलखोरी वाली टास्क में बात आई उसमें सबसे ज्यादा बात देवोलीना ने करी थी, और देवोलीना तो ऐसे चेहरा बना के वहाँ बैठी थी जैसे उनको कुछ भी नहीं पता कि घर के अंदर क्या हुआ और उन्होंने क्या बोला। तो इसमें इनकी एक्टिंग तो यही देखने को मिलती है कि घर में इससे पहले भी क्या क्या एक्टिंग कर चुकी होंगी और किस तरह से ये इस तरह से गेम को खेलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सलमान खान जब दोबारा वापस आते हैं तो हमें एक और टास्क घर के अंदर देखने को मिलता है। अब टास्क आता है डॉल वाला। डॉल वाले टास्क का एक ही था कि वहां पे पावर कार्ड तो देना ही था, लेकिन पावर कार्ड के साथ ही एक और चीज थी कि किसी तरह से और मुद्दे घर में निकल के आ जाएं ताकि लड़ाई हमें देखने को मिल जाए घर के अंदर और ज्यादा, यही हमें इसमें देखने को मिलता है। तो सलमान खान एक एक करके सभी को ये बताते हैं लड़कों को कि आपको लड़कियों की डॉल को पानी के अंदर एक रीजन देते हुए डालना है जो आपको लगता है घर के अंदर डिजर्व नहीं करती। यहाँ अगर बात करें इस टास्क की तो एक तरीके से ये बहुत ही ऑब्वियस था कि कौन किसका यहाँ पे डालने वाला है डॉल को, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें अंतर देखने को मिला वो था सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से। या हर कोई याद कहे तो रश्मि को भी यही लग रहा था कि सिद्धार्थ उन्हीं की डॉल को पानी के अंदर डालेंगे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने डॉल डाल दी वहां पे महिरा की। अब इसमें कई चीज हो सकती है जो ऐसा सिद्धार्थ ने सोचा हो सकता है सिद्धार्थ को लगा हो कि अगर मैं रश्मि की डॉल यहाँ पे डालता हूँ तो वो फिर से बुरे बनते हुए दिख सकते हैं, या फिर रश्मि की और टीआरपी इसमें मिल सकती है कि उन्हें उनसे लड़ने के लिए और नए मुद्दे मिल जाएंगे, इसलिए हो सकता है उन्होंने महिरा को चुना। लेकिन महिरा भी यहाँ चुप रहने वाली नहीं है क्योंकि उन्होंने बीते एंड एपिसोड में साफ कर दिया कि मैं किस तरह से अपनी आवाज अब इस घर में उठाने वाली हूँ, जो जो मेरे को बोला जा रहा है कि मैं घर में नहीं दिखती या फिर मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं सबको यहाँ पे बोलते हुए भी दिखाने वाली हूँ। इसके बाद जब टास्क खत्म होता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पावर कार्ड जीत जाती है शेफाली बग्गा। अब शेफाली बग्गा को पावर मिलती है कि वो इस पूरे हफ्ते में जब तक बिग बॉस दोबारा उनसे नहीं बात करते तब तक वो अपने घर के काम को या तो खुद अपने लिए पूरी तरह से रिहात पा सकती है या वो किसी और को वो कार्ड दे सकती है ताकि उसे वो घर का काम ना करना पड़े। यहाँ पे शेफाली बग्गा की कुछ समझ तो हमें भी नहीं आई कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे सना को चूज करा इस कार्ड के लिए और खुद को नहीं करा, और सिद्धार्थ डे तक को चूज नहीं करा, उन्होंने सीधा सना पे पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मैं सना को एक कार्ड देती हूँ और सना अब जब तक बिग बॉस के अगले आदेश आते हैं उसके लिए काम से मुक्त रहेंगी। इसके बाद जब यहाँ पे नॉमिनेशन की बारी आती है, अब इसने सबसे ज्यादा घर के अंदर और घर के बाहर तूल पकड़ रखी है इस मुद्दे ने, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा कुछ होता दिखा जो किसी की समझ नहीं आ रहा था। ये नॉमिनेशन जब से ये वाला स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जहाँ हमें बोला गया था कि दो लड़कियां हैं जो घर से बेघर होंगी, इसके बाद हमें बोला गया कि एक लड़का और एक लड़की बेघर होगा, उसके बाद फिर आता है कि अब दो लड़के बेघर होंगे, और जब एंड में बात आती है तो पता चलता है कि एक ही घर वाले को बेघर होना है, वो भी किस वोट पे, बाहर वाले नहीं, वो घर वाली लड़के ही तय करेंगे कि अब बाहर कौन जाएगा। अब इससे एक चीज सामने साफ आती है कि फिर ये वोटिंग का फायदा ही क्या है जो बिग बॉस के घर के अंदर चल रही है।
हर कोई जो बिग बॉस देखने वाला दर्शक है वो अपनी तरफ से अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट देता है ताकि वो बचे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। वो किसके लिए वोट दे रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब पहले बात करा गया था कि दो लड़कियां यहाँ पे नॉमिनेट है तो उनके लिए वोट गए, लेकिन फिर वो बाद में चेंज कर दिया कि अब एक लड़का लड़की नॉमिनेट होगा। अब वो जब उनके लिए जा रहे थे तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि दो लड़के नॉमिनेट है। अब दर्शकों ने जब उनके लिए वोट दिया तो बात यहाँ पे ये आ गई कि दर्शकों के वोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। एंड में जाके ये सलमान खान ने कहा कि अब जो घर में लड़कियां हैं वो यहाँ पे तय करेंगी कि कौन बाहर जाएगा कौन नहीं जाएगा। और जो यहाँ पे हुआ वो तो देखने लायक था, क्योंकि यहाँ सारी लड़कियां जो ज्यादातर थी उन लोगों ने बचा दिया सिद्धार्थ डे को, और अबू जी नॉमिनेट होकर घर से बाहर हो गए जैसा आप सभी जानते हैं। अब यहाँ एक चीज जो देखने वाली है किस तरह से जो लड़कियों ने सिद्धार्थ डे का सपोर्ट करा वो कुछ भी समझ आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रश्मि देसाई जो हमेशा खड़े होकर ये कहती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वो लड़कियों को ऐसे बोलते हैं, वो बड़ा बदतमीजी से बोलते हैं, जब उनको गटर बोल दिया था जो भी बात बाद में सामने आई थी कि ऐसा उन्होंने नहीं बोला था, वो उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती हैं। और जब सिद्धार्थ डे यहाँ पे दूसरी किसी लड़की को इतनी बदतमीजी से बोलते दिखते हैं तो सिद्धार्थ डे के लिए वो वोट करती दिखती हैं, और बाद में उनको वो गले लगा के ये कहती है कि मैं आप पे प्राउड करती हूँ कि आप यहाँ पे बच गए। जो कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें देबुलिना की रश्मि, ये लोग दूसरों के मुद्दे को बहुत आसानी से ले जाते हैं और अपने मुद्दे को इस तरह से बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो इस घर के अंदर चलेंगे नहीं, और जो दर्शक भी देख रहे हैं वो भी इन लोगों के गेम को समझ ही रहे हैं। अब उन्हें भी पता चल रहा है कि किस तरह से ये लोग अपना गेम खेल रहे हैं, और अगर आने वाले टाइम में भी यही चला तो इन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली है। फिलहाल सिद्धार्थ इस हफ्ते के लिए तो बच गए, लेकिन कब तक बचे रहेंगे अगर वो इसी हरकत के साथ आगे बढ़ेंगे ये तो कोई नहीं जानता, और जल्दी आने वाले टाइम में शायद उनका भार होना भी तय हो ही जाएगा। इसके बाद बिग बॉस का जब शो एंड हो रहा था हमें जो छोटी छोटी क्लिपें देखने को मिली, जिसमें पहले देखा कि किस तरह से आसिम वहाँ पे बहुत दुखी बैठे थे अबू जी के जाने के बाद, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े से रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। जब वो गए तो बहुत ज़्यादा दुखी हमें देखने को मिल रहा था, और इसके बाद वो थोड़े लड़ते हुए घर वालों से दिखे। इसके बाद बात करें पारस की, तो पारस हमें एंड में ये कहते दिखे थे कि जो कॉलर ने उन्हें बोला था वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और एक चीज़ और जो सलमान खान के लिए भी उन्होंने बोली थी कि किस तरह से वो उनसे चिड़चिड़ करके बात कर रहे हैं वो भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, अगर ऐसा लगता है कि वो इस घर में रहने लायक नहीं है तो आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए, जो सीधा पारस ने बोला। अब पारस आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, कितना आप पे ये बड़ा हमला होकर वापस आती है ये बात, ये तो आने वाला टाइम बता ही देगा। इसी के बाद एंड में माहिरा भी ये कहती नजर आई थी, जो हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से उन्होंने साफ करा कि सभी लोग जो हमें कह रहे हैं कि मैं दिखती नहीं हूँ या मेरा कोई स्टैंड नहीं है, जो सीधे तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया कि उनका कोई भी घर में ऐसा कुछ दिखता नहीं जिसकी वजह से वो रहती है, तो उन्होंने साफ करा कि अब आने वाले टाइम में वो ऐसी कई चीज़ें करती हुई नजर आएंगी जिसकी वजह से वो घर में दिखेंगी जरूर। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि वो कितने बड़े बवाल वो लेके आती हैं, और जो पारस के साथ उन्होंने बातें करी हैं वो क्या क्या नए रूप लेके आती है। और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धार्थ डे के साथ जो हुआ, जो सारा घर उनको सपोर्ट कर रहा है, अब कहीं सिद्धार्थ डे अपनी टीम मेंबर से वो बात वापस कर जाएं जो उन्होंने आरती के साथ करी, तो किस तरह से घर वाले अभी इस चीज़ को लेते हैं। फिलहाल ये एपिसोड तो यहीं खत्म हुआ, पर आने वाले एपिसोडों में और भी नए हंगामे आने वाले हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.